हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुशल गृहिणी। हमारी आज की रेसिपी है जीरा और अजवाइन फ्लेवर्ड बिस्किट, जिसकी ज़रूरत हमें चाय के साथ साथ हर रोज़ होती है। और बच्चे तो घर पर दिन भर बिस्कुट ही खाते रहते हैं, अब ऐसे में क्यों ना हम हेल्दी और टेस्टी बिस्कुट घर पर ही बनाएं। आज मैं बता रही हूँ बेकरी जैसे जीरा अजवाइन कुकीज़ बनाना। जनरली कुकीज़ जो होती है दोस्तों, वो मैदे की बनाई जाती हैं, लेकिन मैं अपनी कुकीज़ को आज गेहूँ का आटा यूज़ करके बनाऊँगी, जिससे हमारी कुकीज़ जो होंगी वो डाइजेस्टिव भी रहेंगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में लिया है आधा कटोरी घी, 2 छोटे चम्मच चीनी का बूरा, और आप घी की जगह यहाँ पर बटर या कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, और ध्यान रहे इसमें हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक बीट करना है हमें। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छे से बीट कर सकती हैं, जितना अच्छे से आप इसे बीट करेंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। इसे हम हाथ में लेकर चेक करते हैं, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, हमारा जो मिक्सचर है वो बीट हो चुका है। अब चलते हैं इसकी सेकंड प्रोसेस पे। अब इस बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन, जिसको पहले ही मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, 3/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका डो तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा दूध का यूज़ करेंगे। डो को हमने ज़्यादा गीला नहीं करना है। डो तैयार होने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे जो हमारा आटा है दोस्तों वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब चलते हैं इसकी तीसरी प्रोसेस पर। अब 10 मिनट हो चुके हैं, डो जो है उसको हम बाउल से निकाल लेंगे, और बाउल बनाकर एक प्लेन सरफेस पर रोटी का आकार में इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। बेलते समय रोटी के किनारे जो हैं वो फट सकते हैं दोस्तों, जिससे हम चाकू की मदद से अलग कर लेंगे। अब चाकू की मदद से आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में काट रही हूँ। अब इनके ऊपर जो हैं वो बचे हुए रोस्ट जीरा अजवाइन को हम फैला लेंगे, जिससे बिस्किट जो हैं वो दिखने में अच्छे तो लगेंगे और साथ ही उनका जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाएगा। ये बिस्किट जो हैं हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक प्लेट ली है, आप कोई भी नॉर्मल प्लेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप फॉइल का यूज़ करके उसमें कुकीज़ बेक कर सकते हैं। प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और कुकीज़ को इसमें अच्छे से हम अब इसको सेट कर लेंगे। आप किसी भी फोक की सहायता से कुकीज़ के ऊपर अच्छे से होल बना लें, ताकि जो हमारी जो कुकीज़ हैं वो अंदर से अच्छे से बेक हो सके और सुंदर भी दिखे। अब चलते हैं इनको बेक करने की प्रोसेस पे। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है, और ये देखिए वीप आ चुकी है, माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। अब लो रैक पर हम प्लेट को रख कर इसे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब चलते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, प्लेट को हम बाहर निकाल कर चेक कर लेते हैं कि हमारी कुकीज़ पकी हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुकीज अच्छी से तैयार नहीं हुई है, तो आप इसमें टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, 5 से 10 मिनट। अलग अलग माइक्रोवेव में जो होता है वो टाइमिंग का कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली ये 15 से 20 मिनट पे तैयार हो जाती हैं। ये देखिए बिस्किट जो हैं हमारे वो अच्छे से बेक हो चुके हैं दोनों तरफ से, इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आ चुका है, और तैयार है आपकी खस्ता कुकीज़। अब आपको एक कुकीज़ में तोड़ के दिखाती हूँ।
ये कितनी खस्ता बनी है देखिए। हेल्दी, टेस्टी और लाजवाब खस्ता कुकीज़ बनके तैयार है और चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन बाय।